चश्मे को साफ करते हैं लड़की को देख कर। ओहो चचा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बिल्कुल मेरा कोई कसूर नहीं है। आप इसमें ये सोच ले कि भाई मैंने कुछ किया है, मेरा कुछ गलत इसमें मामले में नहीं। बहुत शुक्रिया। मैं सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। लेकिन आज का शायर इतनी मेहनत नहीं करता, आज का शायर महबूब की आंखों में आंखें डालकर देखता है और इस बेबाकी के साथ बात करता है कि बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। तो ये जाहिर है कि हम इसी की उम्मीद करते हैं और यहाँ अलीग बरादरी के तमाम लोग बैठे हैं, अलीगढ़ के तलबा अपनी बेबाकी और अपने खूबसूरत लहजे और खूबसूरत अंदाज के लिए पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। अगर एक हॉल में 100 लोग हों, 100 में 4 लोग अगर अलीग बरादरी के हैं, वो अपनी शख्सियत से अलग पहचान में आ जाते हैं। ये कमाल है अलीगढ़ की तहजीब का, अलीगढ़ की तरबियत का और सर सैयद के लगाए हुए इन पौधों का, जो आज बड़े तनावर दरख्त बनकर लोगों को साया भी दे रहे हैं और हमारे मुल्क की खुशहाली और तरक्की में शाना बशाना साथ हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए एक बार फिर एक और शायर या शायरा से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। नौजवानों की अच्छी खासी तादाद मुझे यहां नजर आ रही है। हालांकि ये कहा जाता है कि मोहब्बत की बात जब भी की जाए तो नौजवानों को अपनी तरफ जोड़ लिया जाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि नौजवान बेचारे खामखा बदनाम हैं, असल काम बुजुर्गों की तरफ से बिगड़ा है। नहीं नहीं, मेरी बात अगर गलत होती तो आसाराम बापू जेल में नहीं होते, है ना। तो इसका मतलब यह है कि बुजुर्गों ने जो हमें विरासत सौंपी थी उसी से हम आगे बढ़े हैं। कभी इस तरह के शेर कहे गए, क्या हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख भाल के, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत्मे कलेजा निकाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या, ये देखिए ये हो रहा है, डॉक्टर आसिफ साहब को समझ में आ गया, क्योंकि मतलब लाइब्रेरी से निकलते वक्त या कैनेडी से बाहर आते वक्त किस तरह से खतों किताबत और उसके तबादले होते थे, ये अब सारी चीजें याद आएंगी धीरे धीरे। लेकिन अब डॉक्टर साहब इतना याद आ गया है तो एक बात और याद कर लीजिए कि रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से, ये आंसुओं के दाग हैं आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से। तो आइए जिंदगी की इन्हीं सच्चाइयों को शायरी बनते हुए देखते हैं और फिर से शादाब आजमी के आखिर में कलाम जो पढ़ा उन्होंने उसमें अपने महबूब से जितने सवाल किए उन सारे सवालात का जवाब तलाश करते हैं और मुलाकात करते हैं पीतल नगरी मुरादाबाद से आने वाली एक मेहमान शायरा से, जिनका तारुफ मैं आपसे कराऊं तो मोहतरमा निकहत मुरादाबादी से मैं गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। निकहत मुरादाबाद। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा खूबसूरत मुशायरा सजाया है अमजद खान सर ने और डॉक्टर शाहनवाज सर ने। मुबारकबाद पेश करती हूँ इस खूबसूरत मुशायरे की। यहाँ पे ज़्यादा चीफ गेस्ट ज़्यादा तादाद में अलीगढ़ से यहाँ आए हुए हैं। चार मिसरे जिनके लिए ये मुशायरा रखा गया है सर सैयद अहमद खां के उनवान से, मैं चार मिसरे उनके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान वर्क साहब और एमएलए नफीस साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, तशरीफ़ रखते हैं। मैं हेलो जी, चार मिसरे हाजिर करती हूँ, सुने। इल्म अदब की सर सैयद ने ऐसी शमा जलाई है,
इल्म व अदब की सर सैयद ने ऐसी शमा जलाई है, बच्चा बच्चा जिसका सारी दुनिया में शैदाई है, बच्चा बच्चा जिसका सारी दुनिया में शैदाई है। क्या कहना? 27 अक्टूबर को सीवान की धरती पे नकहत, 27 अक्टूबर को सीवान की धरती पे नकहत, सर सैयद के लालों ने उर्दू की बज्म सजाई है, उर्दू की बज्म सजाई है। नकत ये फिर से पढ़ दीजिए, चार मिसरे मैं पेश करती हूँ, देखिए। सर सैयद के लालों ने, बहुत शुक्रिया जी। इल्म अदब की सर सैयद ने ऐसी शमा जलाई है, बच्चा बच्चा जिसका सारी दुनिया में शैदाई है, 27 अक्टूबर को सीवान की धरती पे नकहत, 27 अक्टूबर को सीवान की धरती पे नकहत, सर सैयद के लालों ने उर्दू की बज्म सजाई है, सर सैयद के लालों ने उर्दू की बज्म सजाई है, सर सैयद के लालों ने। बहुत शुक्रिया। क्या कहना? चार मिसरे यहाँ से जिस तरह की मैं शायरी पढ़ती हूँ वो पेश करती हूँ, सभी का साथ चाहती हूँ, मैं हाजिर करती हूँ, सुने। इरशाद इरशाद। हम पर तुम्हारे प्यार की बरसात हो गई, ये हम पर तुम्हारे प्यार की बरसात हो गई, खुश हो गए बेचारे, इतनी हसीन आज की ये रात हो गई, वाह 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 वाह, कितनी हसीन आज की ये रात हो गई। मैं चांद देखने के लिए छत पे आ गई, मैं चांद देखने के लिए छत पे आ गई, तुमसे इसी बहाने मुलाकात हो गई, तुमसे इसी बहाने मुलाकात हो गई, तुमसे इसी बहाने मुलाकात हो गई। और चार मिसरे हाजिर करती हूँ, देखें जी जी, पढ़िए। हमारी आन ले लेगी, हमारी शान ले लेगी, हमारी आन ले लेगी, हमारी शान हमारी ले लेगी, आन ले लेगी, हमारी शान ले लेगी, मिली है हमको तुमसे जो हर एक पहचान ले लेगी, वा, 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 वा। मिली है हमको तुमसे जो हर एक पहचान ले लेगी, भुला कर सब गिले शिकवे चले आओ सनम वरना, भुला कर सब गिले शिकवे चले आओ सनम वरना, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। एक मतलब दो तीन शेर गजल के पेश करती हूँ, सबकी दुआएं चाहती हूँ, आप सभी का भी साथ चाहती हूँ, मैं हाजिर करती हूँ, देखें पढ़ती हूँ सुने। कलिया पागल है तितलिया पागल, क्या कहना? कलिया पागल है तितलिया पागल, वाह वाह, है समुंदर की मछलियां पागल, वाह, है समुंदर की मछलियां पागल, देखते ही पसंद को मेरी, देखते ही पसंद को मेरी, हो गई सब सहेलियां पागल, वाह वाह वाह,
हो गई सब सहेलियां पागल हो गई। हम तो बहुत पहले से ये बात कहते हैं कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई औरत ही हो सकती है। अब जाहिर है कि सहेलियों का मामला हमेशा से गड़बड़ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी सारे राज सहेलियों को ही बताए जाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। और देखिए उधर कुछ नौजवान हैं, वो चचा बैठे हैं बराबर में, उनको परेशान कर रहे हैं। चचा ने भी कई बार चश्मा साफ किया है अपना, हालांकि इसका कोई गलत मतलब नहीं निकालिए। आप इसलिए मत निकालिए क्योंकि ये सीवान है, यहाँ के बुजुर्ग यहाँ की अदबी अजमतों का अंदाजा रखते हैं, वो किसी को गंदी नजर से देखना नहीं चाहते, इसलिए देखने से पहले चश्मा साफ कर रहे हैं। तो इसलिए आप उनके बारे में कोई गलत ख्याल ना करें। हाँ चचा जान भी तो दिल रखते हैं अपने सीने में। चचा अल्लाह मालिक है आपका। मैं चाहती हूँ चार मिसरे पहले चचा जान के लिए हाजिर करूँ। जी 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 मैं पढ़ती हूँ, सुने। पढ़िए पढ़िए। देखिए यहाँ पे और भी बुजुर्ग हजरत। हाँ हाँ। और चश्मा नाजिम मुशायरा के भी लगा हुआ है। नहीं नहीं मेरा तो पहले से साफ है। मेरा तो पहले से साफ है। माजरत चाहते हुए चार मिसरे हाजिर करती हूँ। देखिए पानी को देख करके ना रोटी को देख कर, पानी को देख करके ना रोटी को देख कर, इनको सुकून मिलता है तितली को देख कर, इनको सुकून मिलता है तितली को देख कर। नकहत ये इस जमाने के बूढ़ों को क्या हुआ, नकहत ये इस जमाने के बूढ़ों को क्या हुआ, चश्मे को साफ करते हैं लड़की को देख कर। ओहो चचा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बिल्कुल मेरा कोई कसूर नहीं है। आप इसमें ये सोच ले कि भाई मैंने कुछ किया है, मेरा कोई गलत उसमें मामला है। नहीं नहीं बहुत शुक्रिया। मैं पेश करती हूँ, सुने। मैं हाजिर करती हूँ, देखें। जी पानी को देख करके ना रोटी को देख कर, इनको सुकून मिलता है तितली को देख कर, नकहत ये इस जमाने के बूढ़ों को क्या हुआ, चश्मे को साफ करते हैं लड़की को देख कर, चश्मे को साफ करते हैं लड़की को देख कर, चश्मे को साफ करते हैं लड़की को देख कर। यहाँ से एक मतलब दो तीन शेर गजल के पेश करती हूँ। इरशाद। अच्छा देखिए आवाज मेरे भाई साफ साफ निकाल है। कभी कभी आपकी आवाजों से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुरलुस उस्मान के खेमों के आसपास मंगोल आ गए हों। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे हम कोई गलत अंदाजा लगाएं। ठीक ठाक आवाज आपकी तरफ से आए। और एक बात यहाँ आप जब बात रुकी गई है जरा सा नकर प्लीज रुकना जरा आप। जो लोग डाइस पर बैठे हैं, ये जो सोफे हैं इन पर और ये जो पीछे बैठे हैं, इन सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सावधान आप कैमरे की नज़र में हैं। ये जो दर्जन भर कैमरे जो आपके सामने लगे हैं, ये सारे के सारे कैमरे आपको कवर कर रहे हैं, आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी एक एक हरकत इसमें रिकॉर्ड हो रही है। और ये इन कैमरों की रिकॉर्डिंग खूबसूरत वीडियो बनके दुनिया भर के मुल्कों में जाएगी और वहां लोग इस मुशायरे की वीडियो देखेंगे। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, लोग जब वीडियो देखेंगे और आप जिस तरह से खामोश बैठे हैं, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो लोग आपकी जो इल्मी हैसियत है उसका गलत अंदाजा लगाएंगे। इसलिए मुशायरे में आप लोग भी शरीक रहें, जरा सा हिलते उठते रहें, हाथ वाथ हिलाते रहें, तालियां बजाते रहें, कभी कभी दांत देते रहें, वरना आपके बारे में लोग गलत ख्याल करेंगे। अब नीचे वालों से नहीं कहूंगा, एक बार सारे ऊपर वाले जितने ऊपर बैठे सारे लोग ताली बजाकर निकट को बताएं क्या आप उन्हें सुन रहे हैं। मतलब पढ़ती हूँ, देखें सुने।
उसने मेरी आहट पर जब बाहर आना छोड़ दिया, उसने मेरी आहट पर जब बाहर आना छोड़ दिया, उसने मेरी आहट पर जब बाहर आना छोड़ दिया, उसने मेरी आहट पर जब बाहर आना छोड़ दिया, मैंने भी उसकी गलियों में आना जाना छोड़ दिया, मैंने भी उसकी गलियों में आना जाना छोड़ दिया, मैंने भी उसकी गलियों में आना जाना छोड़ दिया। उसने जब से छत पे आकर पतंग उड़ाना छोड़ दिया, क्या कहना, उसने जब से छत पे आकर पतंग उड़ाना छोड़ दिया, उसने जब से छत पे आकर पतंग उड़ाना छोड़ दिया, उसने जब से छत पे आकर पतंग उड़ाना छोड़ दिया, मैंने भी फिर धूप में अपने बाल सुखाना छोड़ दिया, मैंने भी फिर धूप में अपने बाल सुखाना छोड़ दिया, मैंने भी फिर धूप में अपने बाल सुखाना छोड़ दिया। छोटी छोटी सी बातों पर तुम नाराज न हो जाना, छोटी छोटी सी बातों पर तुम नाराज न हो जाना, बातों पर तुम नाराज न हो जाना, छोटी छोटी सी बातों पर तुम नाराज न हो जाना, छोटी छोटी सी बातों पर तुम नाराज न हो जाना, रूठने वाले लोगों को दुनिया ने मनाना छोड़ दिया, रूठने वाले लोगों को दुनिया ने मनाना छोड़ दिया, रहने लगा हर वक्त बिजी जब उस लड़के का मोबाइल, क्या कहना, रहने लगा हर वक्त बिजी जब उस लड़के का मोबाइल, रहने लगा हर वक्त बिजी जब उस लड़के का मोबाइल, रहने लगा हर वक्त बिजी जब उस लड़के का मोबाइल, मैंने भी झुंझला कर उसको फोन मिलाना छोड़ दिया, मैंने भी झुंझला कर उसको फोन मिलाना छोड़ दिया, मैंने भी झुंझला कर उसको फोन मिलाना छोड़ दिया। आखिरी चार मिसरे इरशाद पेश करती हूँ, देखें अता करें। तुम्हारी याद से दिल को किया आबाद आ जाना, तुम्हारी याद से दिल को किया आबाद आ जाना, मैं तुमसे कर रही हूँ इश्क की फरियाद आ जाना, तुम्हारे प्यार की खातिर यहाँ तक आ गई हूँ मैं, तुम्हारे प्यार की खातिर यहाँ तक आ गई हूँ मैं, हमारी याद आए तो मुरादाबाद आ जाना, हमारी याद